एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो जैसे कि आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ कबाड़ उठा के ले आती हूँ। तो ऐसे ही मुझे कुछ कबाड़ मिला है कहीं से, तो आज मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। हालांकि इस टाइप के बॉक्स मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में यूज़ किए हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से यूज़ किए थे। बट इस बार मैं कुछ बहुत ही डिफरेंट करने वाली हूँ और काफ़ी यूनिक आइडिया भी मेरे दिमाग में है। एंड इसके अलावा हम एक नई चीज़ भी ट्राई करेंगे। और जब भी मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ और थोड़ी सी तो नर्वसनेस भी होती है कि कुछ नया करने वाले हैं, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। तो इसी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे जो राउंड कार्डबोर्ड वाले बॉक्स होते हैं ना, वैसे हमें चाहिए। और इसके अलावा आप प्रिंगल्स वाले बॉक्स ले सकते हो जो ऐसे राउंड शेप में होते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कोई भी दूसरी चीज़ के ऊपर ये वाली आर्ट कर सकते हो जो हम आज करने वाले हैं। आप नॉर्मल कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर MDF बोर्ड के ऊपर भी, जो प्लेन वाले होते हैं ना, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को एक स्ट्रेट लाइन में कट करूँगी और दोनों साइड से हमें कट करना है, जैसे कि दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो सके। तो इस तरह मैं दो बॉक्सेस को कट कर रही हूँ। और ये जो दूसरा वाला बॉक्स है ना, इसके ऊपर जो ये पेपर था ये बहुत ही ईजिली निकल जा रहा था, तो मैंने पहले ही इसको निकाल दिया, वरना ऐसा ना हो कि हम बाद में आर्ट इसके ऊपर कर लें और फिर ये पेपर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो इसको पेपर को निकालने के बाद ना, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐसे लाइंस और पैटर्न दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसको कवर कर देते हैं। और इसको कवर करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये जो लाइंस बनी है वो दिखाई ना दें और एक पेपर की जो लेयर निकल गई है तो इसकी थिकनेस को वापस थोड़ा सा मोटा करने के लिए मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। और पेंटिंग करने में भी आसान हो जाता है टिश्यू पेपर लगाने के बाद, तो इसलिए मैंने सिर्फ इस वाले बॉक्स पे लगाया है, जो दूसरा वाला बॉक्स है उसके ऊपर नहीं लगाया। तो एक तो मैं वाइट टेबल पे पेंट करती हूँ ना, तो पूरा मेस क्रिएट हो जाता है। मतलब इस टेबल ने क्या कुछ नहीं झेला है, मतलब अलग अलग टाइप के ग्लू, क्रेयॉन्स, स्केच पेंस, एक्रीलिक कलर्स और सारी चीज़ें इस टेबल पे गिरती हैं। जो लोग भी क्राफ्ट करते हैं ना, उनको पता होता है कि इसको क्लीन करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज तो मेरी जो टेबल है ना, आप देखो उस पर कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है। तो एक बार मैं आपको पूरी टेबल खाती हूँ कि इस टाइम क्या हालत है। और ये सिर्फ आज का नहीं है, जब भी मैं कोई क्राफ्ट बनाती हूँ ना, तो हर बार ये पूरी ऐसी गंदी सी हो जाती है जिसको क्लीन करना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब से मैंने वो की हार्ड स्टेन स्प्रे एंड वाइप यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, ये काम इतना ज़्यादा ईजी हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब टफेस्ट से टफेस्ट स्टेन होना, उस पर आप इसको स्प्रे कर दो और 30 सेकेंड के लिए वेट करो, इसके बाद किसी ड्राई क्लोथ से इसको क्लीन कर दो और ये इतना ईजिली क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये सारे कलर जो अलग अलग प्रकार के कलर मेरे टेबल पे थे, वो एक झटके में क्लीन हो गए। एंड दिस प्रोडक्ट इज सेवियर फॉर मी, क्योंकि मेरा इतना टाइम सेव करता है। सिर्फ टेबल पे ही नहीं, ये हर जगह मैं यूज़ करती हूँ, जो भी घर में स्टेन्स होते हैं, कोई भी हार्ड सरफेस जहाँ पे ऑयल स्टेन्स, फूड के स्टेन्स हों, स्विच बोर्ड, एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन या फिर एडहेसिव स्टिकर के मार्क्स हों, सारे से क्लीन हो जाते हैं। एंड आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जहाँ पे हमारा गैस चूल्हा होता है, वहाँ पे ऑयल के कितने ज़्यादा स्टेन्स होते हैं। और ये इतने तगड़े स्टेन्स होते हैं कि मतलब छूटते ही नहीं है। फिर चाहे वो बर्नर हो या बर्नर के आसपास की जो वॉल्स हों, वो भी इतनी गंदी हो जाती हैं, ग्रीसी हो जाती हैं। स्पेशली जो हल्दी के दाग होते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं साफ़ होते। बट जब से वो की हार्ड स्टेन प्लस वाइप मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, ये सारे दाग निकालना मतलब मेरे लिए चुटकियों का काम हो गया है। और जो भी रेगुलर क्लीनर्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि जो आपकी सरफेस होती है, वॉल्स होती हैं, उसको भी वो कोरोड कर देता है। जबकि वो की आता है एडवांस P3 फॉर्मूला के साथ, जो कि सिर्फ डर्ट के साथ रिएक्ट करता है और सरफेस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। और वो की के सारे प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेटेड हैं 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के साथ। इसके इंग्रीडियंट हैंड पिक्ड हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो कि नॉन टॉक्सिक हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं। मेरे गैस बर्नर के पास ये दो सिटकनी थी जहाँ पे मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ, और ये काफी गंदी हो गई थी। एंड आप देखो कितनी जल्दी ये सारी ग्रीस क्लीन हो गई। एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, स्किन सेफ है, इको फ्रेंडली है। मतलब आपने भी देखा होगा, आप कोई क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हो तो वो इतना हार्श होता है स्किन के ऊपर कि हाथ सारे ख़राब हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है हाथों में। क्योंकि जो रेगुलर क्लीनर्स होते हैं वो एसिडिक केमिकल से बने होते हैं, जो कि सेंसिटिव स्किन पे या फिर बच्चों पे और पेट्स पे एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं और इरिटेशन भी हो सकती है। बट वूकी के सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं, अलाइन टू द सस्टेनेबल गोल्स कॉइंड बाय द UN। तो चलो, अब टेबल हो चुकी है क्लीन और साफ सुथरी टेबल पे काम करने का
मज़ा ही कुछ और है। हालांकि दो मिनट बाद ये फिर से गंदी ही हो जाएगी। तो अब हमें करना है क्ले वर्क, बट मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था कि पहले मैं क्ले वर्क करूँ या पहले बेस को पेंट कर लूँ, तो मैं दोनों चीज़ करके देख रही हूँ। एक जो बॉक्स है उसके ऊपर मैंने पेंट पहले कर लिया है, दूसरा वाला जो है उस पर हम पहले क्ले वर्क करेंगे बाद में पेंट करेंगे, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा ईजी है। तो अभी हम ले रहे हैं मोल्डेड क्ले, आप कोई भी दूसरी क्ले यूज़ कर सकते हो, एंड हमें इसे रोल रोल करके एकदम पतला सा थ्रेड जैसा शेप दे देना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिपन आर्ट करने वाले हैं, दो जो बॉक्स हैं उस पर हम लिपन आर्ट करेंगे और बाकी के जो दो बॉक्स हैं उस पर हम एक बहुत ही नई इंटरेस्टिंग सी आर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये ऐसा प्रोसेस है कि आप किसी दूसरी सरफेस के ऊपर भी कर सकते हो, MDF के ऊपर भी कर सकते हो। और बहुत से लोग मुझे बोलते रहते हैं कि मानसी लिपन आर्ट ट्राई करो, लिपन आर्ट ट्राई करो। तो मैंने पहले भी लिपन आर्ट ट्राई की है हालांकि, बट वो काफ़ी ईजी लेवल की लिपन आर्ट थी, क्योंकि तब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी इसलिए बहुत ही ईजी लेवल का बनाया था। बट इस बार मैं थोड़ा सा पिछली बार से एक लेवल ऊपर जाके थोड़ा और अच्छा इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड क्योंकि लिपन आर्ट कोई भी जब फ्लैट सरफेस होता है ना उस पर करना इजी होता है, बट ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा सा एरिया था तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, बट इस पर करने में काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि जब भी हमने लिपन आर्ट देखी नॉर्मल सरफेस पे देखी है, और इसका जो लुक आएगा ना ऐसे जो राउंड चीज़ के ऊपर जब आप लिपन आर्ट देखोगे तो वो काफ़ी डिफरेंट होगा, और मेरे लिए भी ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला था। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। मतलब लिपन आर्ट तो आपने वैसे भी बहुत बार देखी होगी, आप सोचोगे अब इसमें नया क्या मैं दिखाऊंगी, तो मैं इसमें कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। तो इस वजह से मैंने ये वाला प्रोजेक्ट चुना, और इसको मैं फेविकॉल SH की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। आप कोई भी वाइट ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो। एंड इसको बनाने के एक दो रीज़न और थे। एक रीज़न तो ये था कि ये बॉक्सेस मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा थे, तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना था इसका, वरना फिर ये रखे ही रह जाते। और दूसरा रीज़न ये था कि इस तरह के बॉक्स से मैंने हमेशा पेन होल्डर या फिर वास ही बनाया है, तो इस बार मुझे कुछ अलग करना था। तो अब ये जो दूसरा वाला हमने ब्लैंक छोड़ दिया था इसके ऊपर भी हम पेंट करेंगे। एंड जैसे ही मैंने पेंट करना स्टार्ट किया मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि पहले पेंटिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि पहले जब आप करते हो ना तो ये पेंटिंग दो मिनट में हो जाती है, और जब आप क्ले वर्क करने के बाद ये पेंट करते हो तो फिर इसको करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ में आपको करना होता है, और मुझे लिटरली दो कोट करने पड़े इसके, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि पहले बेस पेंट कर लेना चाहिए, उसके बाद क्ले वर्क करना चाहिए। अब जो क्ले वर्क था उसे मैं वाइट कलर से पेंट करूँगी, तो काफ़ी अच्छा एक लुक आएगा इसके ऊपर। एंड नॉर्मली भी जो लिपन आर्ट होती है उसमें जो क्ले होती है वो नॉर्मली वाइट कलर की होती है। तो ये दो डिब्बे तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे डिब्बे को भी हम पहले उस पर बॉर्डर बना देंगे, और इस पर हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बना लिया है, इसमें मैंने पानी और फेविकॉल दोनों चीज़ें मिक्स की हैं, और अब एक पॉलीथीन में मैं इसको फिल कर लूँगी। एंड फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं रबर से इसको अच्छे से बांधूंगी। अब नीचे हल्का सा कट लगाएंगे जिससे कि एक कोन की तरह ये बन जाए, और अब इस कोन से मैं कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी। और फ्लावर्स बनाने के बाद ब्रश से आपको इसे ऐसा मतलब थोड़ा सा खींचना है अंदर की तरफ, जिससे कि एक शेडिंग जैसा इफ़ेक्ट आ जाए, तो काफ़ी सुंदर सा इफ़ेक्ट दिखेगा और फ्लावर्स भी काफ़ी सुंदर दिखेंगे। तो ये जो बाकी के दो डिब्बे थे इस पे हम यही वाली आर्ट करेंगे, और मुझे नहीं पता इस आर्ट को कहते क्या हैं, कुछ टेक्सचर आर्ट कहते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, और जो भी कहते हैं मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। एंड बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वॉल पुट्टी नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप सिरेमिक पाउडर यूज़ कर सकते हो। POP के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप POP यूज़ करो, इसलिए POP की सलाह मैं नहीं दूँगी। तो यहाँ पे दोनों ही बॉक्सेस पे कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही पैटर्न्स बना लेने हैं। मतलब सिंपल 4-5 फूल बना लिए मैंने, और जो बाकी की स्पेस थी वहाँ पे मैं ऐसे लीव्स बना ले रही हूँ। अब बाकी का जो क्ले वर्क था उसके ऊपर भी हम पेंट कर देंगे और ये रेडी हो जाएगा, और ये सारे प्रोडक्ट अच्छे से प्रोटेक्टेड रहें, कलर्स प्रोटेक्टेड रहें और डस्ट फ्री रहें, इसके लिए हम इस पर वार्निश अप्लाई करेंगे। आप सोचोगे कि लिपन आर्ट पे हमने मिरर्स तो अप्लाई नहीं किए, बट पहले हम वार्निश अप्लाई करेंगे, वरना फिर एक बार हम मिरर्स लगा देंगे उसके बाद वार्निश अप्लाई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वार्निश अप्लाई करने के बाद, ड्राई होने के बाद मैं इस पर मिरर्स लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी अलग अलग शेप के मिरर्स थे और जिस भी पैटर्न में वो अच्छे से फिक्स हो रहे थे वहाँ वहाँ मैंने उस शेप के मिरर्स लगा दिए, और दूसरे वाले जो डिब्बे थे जिस पे हमने फ्लावर्स बनाए थे वहाँ पे भी मैं इस तरह से मिरर्स लगा दूंगी फ्लावर्स के बीच में, और जो बॉर्डर है
वहाँ भी मैं पूरा मिरर्स को फिल कर दूंगी। जैसे ही आप मिरर्स किसी चीज़ में लगा देते हो ना, उसकी पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। मिरर्स लगाते ही पूरा लुक चेंज हो गया और इन्हेंस हो गया। तो अब सबसे बड़ा कंसर्न आपका ये होगा कि मानसी इसको हैंग कैसे करना है। तो हैंग करने के लिए एक मैंने थिक पेपर लिया और थ्रेड ले लिया। अब थ्रेड को हम पीछे की साइड से ऐसे चिपकाएंगे और जो मोटा सा पेपर था उस पर हम फेविकॉल एसएच लगा के इसके ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। फेविकॉल एसएच काफ़ी स्ट्रांग होता है तो ये थ्रेड निकलने नहीं वाला है। अब अगर आपको ये आइडिया नहीं पसंद आ रहा है तो आप वायर भी ले सकते हो और वायर को कुछ इस तरीके से मोल्डेड क्ले की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो देखो, इसको आप नेल पे सिंपली हैंग कर सकते हो। सिंपली इस तरह से लो और नेल के ऊपर ऐसे हैंग कर दो और ये धागा दिखाई भी नहीं देगा आगे से, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो चलो अब सारे पीसेस एक साथ लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।